हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हो आप। स्टॉक फंड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बाइनोमो में ट्रेडिंग कर रहे हैं और 100 से कंपाउंडिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ लेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही लेबल ड्रॉ करना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर रिजेक्शन पॉइंट दिख रहा है अच्छे खासे। तो मैंने यहाँ पर एक 100 का ट्रेड ले लिया है, क्योंकि उस एरिया से अच्छे खासे रिजेक्शन है और ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया भी है। यहाँ पर देखिए, मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो अप चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस एरिया पर, यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। 2 मिनट, ये एरिया की बात कर रहा हूँ, मार्केट का ये एरिया जो है ये सपोर्ट एरिया है। देखिए, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स, यहाँ से भी अच्छा खासा रिजेक्शन आया, तो यहाँ से भी मार्केट एक रिजेक्शन ज़रूर आएगा। तो एटलीस्ट मार्केट हमारी प्राइस के ऊपर ही क्लोजिंग देने वाला है। तो हमारा जो पहला ट्रेड है वो विन हो चुका है। तो आपको भी इसी तरह से ट्रेड करना है, जहाँ कन्फर्म लगे वहीं पर ही ट्रेड करना है, और लेवल टू लेवल भी, मतलब बॉडी टू बॉडी भी, मतलब ड्रॉ करना है लेवल को, रिजेक्शन पॉइंट भी ड्रॉ करना है, क्योंकि हम बाइनरी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो रिजेक्शन भी बहुत ज़रूरी है ड्रॉ करना। और जहाँ कंफर्म लगेगा वहीं पे ट्रेड करेंगे, फालतू में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो ओके, तो यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर जाता तो मैं यहाँ पर एक सेल का ट्रेड लेता, लेकिन मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा नीचे की तरफ आ गया है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। तो वेट करते हैं, आराम से ट्रेड लेंगे, जहाँ कंफर्म लगेगा वहीं ट्रेड लेंगे, भले से हमें यहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर भी बैठना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अब 2 ट्रेड और लेना है। पहला ट्रेड हमारा हो चुका है। तो देखिए, मैं जैसे लेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको भी उसी तरह से लेबल ड्रॉ करना है और आराम से ट्रेड करना है, हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही कंपाउंडिंग करनी है। अगर बाई चांस एक भी लॉस हो जाएगा तो हमें शुरू से कंपाउंडिंग करना पड़ जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आराम से ट्रेड करते हैं, वेट करेंगे आराम से। तो देखते हैं, जहाँ कंफर्म लगेगा वहीं ट्रेड लेंगे, भले से हमें टाइम लग जाए। ओके, तो मार्केट का नीचे की तरफ एक बायर्स का एरिया है, मार्केट अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हो चुका है मार्केट में, और अभी तक हमें ट्रेड नहीं मिला। ओके, तो मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ से इजीली एक बाय का ट्रेड मिलेगा। ओके, ठीक है, तो ठीक है, मैंने यहाँ से बाय का ट्रेड ले लिया है और ये हमारा कंफर्म ट्रेड है। देखिए, मुझे इतनी देर तक बैठे रहना पड़ा, लेकिन मैंने कंफर्म ट्रेड लिया जहाँ मुझे लगा था कि यहाँ पर मेरा कंफर्म ट्रेड रहेगा। देखिए, यहाँ पर एक मार्केट का एक ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप कैंडल को देखेंगे, हर कैंडल में रिजेक्शन दिखेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिजेक्शन, इस जगह रिजेक्शन, और यहाँ पर भी रिजेक्शन है, तो मार्केट है और ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से इजीली रिजेक्शन आएगा और ये इसी कंडीशन में हमारा ट्रेड विन होगा। देखिए, मुझे इतना टाइम लग गया, भले से मुझे कितने 5-10 मिनट लग गए होंगे या 5 या 4 मिनट जितने भी लगे, लेकिन उसके बाद मुझे जहाँ कन्फर्म लगा मैंने वहीं पर ट्रेड लिया, जहाँ मुझे कन्फर्म था कि यहाँ से मेरा ट्रेड विन हो जाएगा। तो इसी तरह से वेट करना पड़ेगा, और वीडियो को पूरी भी देखना, क्योंकि मैंने कितनी जगह ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्यों ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। ओके, तो हमारा सेकंड ट्रेड भी विन हो चुका है, अब हम लास्ट ट्रेड करेंगे। ओके, तो देखिए, यहाँ से भी अच्छा खासा रिजेक्शन आया और जो इस कैंडल में सेलर की वीकनेस भी आई है, देखते हैं इस कैंडल के बाद देखेंगे इसमें हम कुछ कंफर्म लगेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ऊपर एक सेलर का एरिया है तो सही, लेकिन यहाँ पर थोड़े सेलर भी वीक हो चुके हैं इस एरिए पर, तो यार यहाँ पर ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ऊपर सेलर का एरिया तो है लेकिन यहाँ पर सेलर वीक भी हो चुके हैं और बायर से एरिया से रिजेक्शन भी खाया है मार्केट ने, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी आ सकती है। देखते हैं ये कैंडल कहाँ क्लोज होती है, उसके बाद ट्रेड लेंगे। अगर ये कैंडल रेड बनती है तो यहाँ से एक बाय का ट्रेड भी मिल जाएगा, क्योंकि देखते पहले कहाँ क्लोज होती है कैंडल। ओके, तो ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल बनी है और ऊपर एक न्यू, देखा जाए तो न्यू हाई टाइप बना रखा है। ओके, तो मार्केट नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पर एक बाय का ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस कैंडल बनी है उसमें बाय का मुझे रिजेक्शन दिखा है, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर गया तो बायर से लेके गए होंगे, तो यहाँ से मुझे रिजेक्शन तो आ रही है इस एरिया से, तो यहाँ मैं एक बाय का ट्रेड लूँगा इस जगह पर, और ये हमारा कन्फर्म ट्रेड है, मैं आपको ड्रॉ करके भी बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको,
ये जो एरिया है मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने कितना अच्छा रिजेक्शन मारा, तो यहाँ पर ऊपर कौन लेके गया होगा, उसको बायर से लेके गए होंगे, तो इजिली मार्केट यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और ये सपोर्ट एरिया से टच होकर मार्केट अब ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये सब देख के मैंने ट्रेड लिया, सिंपल सा ट्रेड था। और मेरा टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जिनको भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मेरी आईडी भी नीचे दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने पेज को भी रिफ्रेश करके बता दिया है, और मैं यहाँ पर रियल अमाउंट और डेमो अकाउंट भी बता देता हूँ, किसी का मैसेज आया था, और इसको अप डाउन भी कर देता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।